पुलिस ने होटल में छापा मारकर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो नेताओं को फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से कई आधार कार्ड बरामद किए। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस व्यक्ति ने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट कर दिया। छतरपुर SP अमित सांघी ने बताया कि पुलिस को बस स्टैंड स्थित एक होटल से शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति लोगों को फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि कम दामों में अपने विरोधी नेता की CD ले जाओ। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर जब इस व्यक्ति से पूछताछ की तो पहले तो इसने अपना नाम पता नहीं बताया, फिर बाद में इसने अपना नाम जयप्रकाश मिश्रा बताया और पता अनूपपुर बताया। पुलिस को इसके पास से कई आधार कार्ड भी मिले हैं जो सब फर्जी हैं और फर्जी आधार कार्ड के आधार पर ही ये होटलों में रुकता था। SP अमित सांघी ने बताया कि अभी तक तो किसी नेता ने इसकी शिकायत नहीं की है, फिर भी फर्जी आधार कार्ड लगाकर होटल में रुकने के जुर्म में इसे गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी कोतवाली में आई थी और चूंकि व्यक्ति का यह संदिग्ध आचरण मिला, परंतु इस संबंध में कोई व्यक्ति नहीं आया कि किस तरह से इसको किसी ने ब्लैकमेल किया हो, परंतु इसके पास जब तलाशी ली गई होटल में और इसकी तो कोई ऐसी सामग्री भी नहीं मिली जिसके आधार पर किया जाए कि वो है, परंतु नाम पता बदल के रहना अपने आप में एक अपराध है और फर्जी इसने आधार कार्ड का उपयोग किया था इस आधार पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।